जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना लाओ, आज मजेदार पकवान खाएंगे। जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना लाओ। सुन लिया, सब ला रही हूँ। सफाई और कुकिंग दोनों काम करती हूँ, इतना आसान नहीं है ये सब। नाक में दम करके रखा है तुम लोगों ने। घर का काम कौन सा मुश्किल है, चुटकी बजाने जितना समय लगता है। ब्ला ब्ला दो मिनट। क्या दो मिनट? ब्ला ब्ला क्या कहा तुमने? घर का काम तुम्हें बहुत आसान लगता है? क्यों नहीं कादरी, तुमने एक दिन भी मेहनत वाला काम नहीं किया। क्या नीचे पैर पर कुछ महसूस हुआ तुम्हें साकिर? टेबल के नीचे कुछ तो है। बिजनेस करना कौन सा मुश्किल काम है, बच्चों के खेल जैसा ही तो है। एक दिन घर में काम करके देखो, इसे आसान कहना भूल जाओगे। क्या कहा, मुझे चुनौती दे रही हो? ठीक है, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। पहले टेबल से नीचे उतरो रैमजी। मुझे माफ कर दो, झगड़े का फैसला इस तरह करेंगे, एक दिन के लिए मैं हाउस वाइफ बनूंगा। आपका मतलब हाउसमैन? हाँ हाउसमैन, और तुम एक दिन पूरा बिजनेसमैन बनोगी। आपका मतलब बिजनेस वुमन? बिजनेस वुमन हाँ। निकाटी तुम टेबल के नीचे क्या कर रहे हो? मैं खाना गिरने का इंतजार कर रहा था, मेरे घर पर खाना खत्म हो गया है। तो फिर ठीक है मिस्टर रैमजी, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। हारने वाला जीतने वाले को आखिर देगा क्या? सोचने दो, मुझे सोचने दो, सोचने दो। चीज सैंडविच? नहीं वो नहीं। हारने वाला जीतने वाले की बात मानेगा, जीतने वाला जो कहेगा उसे मानना पड़ेगा। चलेगा, तो डील पक्की। सैंडविच वाली शर्त ज्यादा अच्छी थी। मैं तो ऑफिस जा रही हूँ रैमजी। और ये तुमने सर पे टोपी क्यों पहनी हुई है? हाउसवाइफ्स यही पहनती है ना? कभी भी नहीं पहनती। तो चलो अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैंने घर के कामों की लिस्ट बना दी है और तुमने अपने ऑफिस के कामों की। तो चलो रैमजी बाय बाय, शाम को मिलते हैं। बाय बाय। अरे कैनन, क्या तुम मेरे काम में हाथ बटाना चाहोगी? सॉरी पापा, कल मेरा टेस्ट है, उसकी तैयारी करनी है। निकेटी चलो चलो, मैं भी आ रहा हूँ, तुम्हारी मदद करूँगा। निकेटी होमवर्क के बारे में कुछ पता है? चलो जल्दी से यहाँ आओ। चलो चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं, जो कहूँ लिखना। ठीक है, पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, अरे जल गया पापड़। आज मुझे दिन में क्या क्या काम करना है? कपड़े धोने हैं, इस पे कौन सी बड़ी बात है, ये मशीन में डाले मैले कपड़े, और ये वाला भी। अब कपड़े धोने की लिक्विड और थोड़ा सा पाउडर। हाँ, थोड़ा परफ्यूम डाल दूं, कपड़ों से खुशबू आएगी। थोड़ा सा टूथपेस्ट भी डाल दूं, दांतों की तरह चमकेंगे। रेडी, मशीन ऑन। ऐसे ही घूमते जाओ, घूमो 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 और झूमो, घूमते रहो। ये क्या है? सेट स्क्वायर। सेट क्या? सेट स्क्वायर। और ये? पेन केस। केस? पेन केस, पेन केस। अच्छा अच्छा, और ये? स्याही की शीशी। तुम मेरे सामान को छेड़ना बंद करोगे? तुम मेरी मदद करने वाले थे ना? हाँ पता है, पहले ज्योमेट्री का सामान लिखो, पहले झाग। क्या झाग? कौन सा झाग? झाग और झाग, बहुत बहुत सारा झाग। हम अभी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं निकाटी, झाग का इससे क्या मतलब? झाग का समंदर कैनन, झाग का दरिया। चलो अब खाना बनाते हैं। लंच में क्या बनाऊं, सबको क्या पसंद है? आहा, आलू, बच्चों को आलू करी पसंद है। पहले एक आलू, फिर एक और आलू, फिर एक और अब इस पे थोड़ा सा पानी डालते हैं। हाँ, पकने पर अपने आप सीटी बज जाएगी, उसके बाद गैस बंद कर दूंगा। हाउस वाइफ होना कितना आसान है। मुंह में झाग भर गया। रामजी, रामजी कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ निकेटी, तुम कहाँ हो? ये सब कैसे हुआ? शायद झाग के एलियंस ने घर पर हमला कर दिया है रामजी। हर बात के लिए एलियंस को दोषी नहीं बना सकते निकेटी, कहाँ से आया इतना सारा झाग? ये झाग पार्टी, ये तो एकदम मजेदार है। झाग पार्टी ये है, चलो डांस करते हैं। नहीं, ये कोई झाग पार्टी नहीं है, नाचना बंद करो, ये पार्टी नहीं है। झाग बाथरूम की तरफ से आ रहा है। तो अब चलो बाथरूम चेक करते हैं।
वो देखो तो ये झाग यहाँ से आ रहा है। इस झाग पार्टी के मैनेजर होने के नाते मैं इस झाग की वजह की जांच करूंगा। पापा, मम्मी ने जो कागज आपको दिया था उस पर क्या लिखा था? सफेद और रंगीन कपड़े एक साथ मत धोना, दोनों के वॉशिंग पाउडर अलग हैं। हाँ बेटा, मैंने इसे ठीक से नहीं पढ़ा। खुशबू बढ़ाने वाली कई चीजें मशीन में डाल दी, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे जरूरत है एक बाल्टी और झाड़ू की, समझे? अरे रुको 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 रुको, अरे स्टोव पर आलू चढ़ा रखे थे निकाटी, देखो करी बनी कि नहीं बनी। आलू आलू कहाँ गया भालू, आलू आलू कहाँ गया भालू। अरे जल्दी करो जल्दी करो, क्या हो रहा है? शोर मचाना बंद करोगे तुम सब? मैं पढ़ रही हूँ। ज्यादा वीडियो गेम्स खेलना अच्छी बात नहीं होती है। क्या कुकर हर दिन ऐसे ही तेजी से हिलता है? और क्या, ऐसे ही होता होगा। जैसे ही सीटी बजने लगेगी हम गैस को बंद कर देंगे। मैं चल रहा है, कोई सीटी बजाएगा क्या? कौन से सीटी पापा, इसमें सीटी नहीं है। क्या सीटी नहीं है इसमें? सीटी कहाँ चली गई? पापा कुकर फटने वाला है, इसमें सीटी है ही नहीं तो बजेगा कैसे? स्वादिष्ट है रैमजी। अब मैं क्या करूं, घर तहस नहस कर दिया, इसे कैसे साफ करूंगा? हाँ, ये क्या है? ये तो राक्षस है। वॉशिंग मशीन में कई सारे पाउडर एक साथ मिलाए, शायद उसी से ये राक्षस बन गया। क्यों ना हम इसे पिंकी बुलाएं? मतलब इस पिंकी ने पूरे घर में अफरा तफरी मचा रखी है। तुम्हारे वजह से आज मैं कादरी से लगाई शर्त हार जाऊंगा। आलू, अरे ये आलू फेंक रहा है। ओहो, ये क्या है? ये लो। वो रो रहा है, मैंने कुछ किया। चेरी जूस उसके ऊपर गिर गया इसलिए रो रहा है। बिल्कुल सही, मैले कपड़ों का जानी दुश्मन कौन है? चेरी जूस गुड़िया के बाल। यानी चेरी जूस से इस राक्षस को हरा सकते हैं। मैंने गुड़िया के बाल भी बोले पर किसी ने सुना नहीं है। अरे निकाटी जाओ, लेकिन सावधानी से, फ्रिज से चेरी जूस निकाल कर लाओ अभी। यस सर, बिल्कुल ले आऊंगा। स्वागत है आपका मैडम, आइए। आप कितने अच्छे हैं सर। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसी समझदार और हुनरमंद एम्प्लॉय हमारी कंपनी में है। हमारी कंपनी का प्रॉफिट एक ही दिन में 5 गुना बढ़ गया है और कार्यक्षमता 3 गुना बढ़ गई है मैम। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मिस्टर रैमजी की जगह लेना चाहेंगे? आपकी प्रस्ताव के लिए बहुत धन्यवाद, आपको सोचकर बताऊंगी। गुड नाइट। क्या हुआ, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? हेलो, हाँ बोलो कादरी। क्या कहा, सच में? अरे बाप रे, मर गए। कादरी घर पहुंच चुकी है, घर को चकाचक करना होगा नहीं तो मैं आज शर्त हार जाऊंगा। कहाँ है वो चेरी जूस? ये रहा सर। निकाटी जितनी जल्दी हो सके सारा चेरी जूस पी जाओ। हुर्रे, इसके लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। अरे साकिर, तुम निकाटी का पैर मजबूती से पकड़ लो। क्या तुम तैयार हो निकाटी? मुझे नहीं पता। तो ठीक है, इसका गेम ओवर करते हैं। आक्रमण आक्रमण। हाँ? कादरी है? और आज के शर्त की विजेता है मम्मा। हुर्रे! सॉरी रैमजी। घर का क्या हाल कर दिया, और ये पिंक राक्षस कहाँ से आया? जवाब दो मुझे रैमजी, कुछ तो बोलो। कादरी है? डार्लिंग, मैं घर में कुछ नहीं कर सका। प्लीज गुस्सा मत होना, मैं समझ गया, हाउसवाइफ होना कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो इस सब से तुम लोगों ने क्या सीखा, बताओ जरा। भाई मानना होगा कि दुनिया में कोई भी काम इतना आसान नहीं है। तो फिर ये शर्त मैंने जीती है, अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी रैमजी। तो चलो ये बाल्टी और झाड़ू उठाओ, पूरे घर को चकाचक कर दो, चलो जल्दी करो। तुम मेरी मदद करोगी ना डार्लिंग? नो, हम सब यहाँ स्केटिंग करेंगे, है ना बच्चों?
घर का काम बहुत मुश्किल है। हमें किसी भी तरह उस बस को रोकना ही होगा। कुछ किलोमीटर आगे शहर खत्म हो जाएगा और समुद्र शुरू। सबको शाक खा जाएंगी। सीधा यही गिरना मेरे मुंह के अंदर। सालों बाद इतना लजीज खाना मिलेगा, वो भी बहुत सारा। आप क्या कर रहे हैं डिटेक्टिव? ये कैसा पागलपन है? अगर मेरा काम तुम्हें पागलपन लगता है कैप्टन, तो मैं पागल ही ठीक हूँ। रास्ता खत्म, यहाँ से आगे समुद्र है। इसी बस से सड़क और समुद्र दोनों की सैर करेंगे। बड़ी ही अजीब बात है। सब लोग अपनी सीट को कसकर पकड़ लो, जितना हो सके ऊंची उड़ान भरना, समझे? ये वो तो नहीं करेंगे जो मैं सोच रहा हूँ। ओके कट। अच्छा शॉट था, ब्रेक लेते हैं। सर ये लीजिए आपकी कॉफी। मिस्टर कॉर्सन, ये रहा आपका पसंदीदा सैंडविच। कमाल का शॉट दिया कॉर्सन, आपको मैंने बताया था ना, यहाँ से कहानी थोड़ी बदल जाएगी। आप बस से गिर जाएंगे और आपकी याददाश्त चली जाएगी। आप भूल जाएंगे कि आप एक जासूस हैं, अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ सामान्य जीवन जियेंगे। हाँ चलिए, अब सब कुछ आप पर है। हाँ हाँ समझ गया, अभी वैनिटी वैन में जा रहा हूँ। बाद में, अभी मैं बिजी हूँ। मिस्टर कॉर्सन को ये ड्रेस दे दो, अगले सीन में वो इसी को पहनने वाले हैं। अभी जाता हूँ। मिस्टर कॉर्सन, मिस्टर कॉर्सन, आप अंदर है ना? मिस्टर कॉर्सन, मिस्टर कॉर्सन यहाँ नहीं है। मिस्टर कॉर्सन, अरे तुमने सुना, मशहूर एक्शन हीरो कॉर्सन डेमिर यहाँ अपनी फिल्म की शूटिंग करने आया है। वाओ, मैं तो उसका फैन हूँ। अपनी पिछली फिल्म में उसने अकेले 78 निंजास को हराया था, और वो भी अपनी छोटी उंगली से। हुआ, 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 सॉरी तंजू, गलती से लगा। मैं भी कॉर्सन की तरह स्टार हो सकता था। और हाँ, हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, बस मैं थोड़ा उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ। ये रहे मिस्टर कॉर्सन सर। सर हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्या क्या कह रहे हो तुम? अरे भाई मैं कॉर्सन नहीं हूँ। इसने तो एक्टिंग शुरू भी कर दी। अगर ये कहे ना मेरी एक पत्नी और दो बच्चे हैं, मतलब ये अपने रोल की तैयारी कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है ये। भाई एक पत्नी दो बच्चे हैं मेरे, काश मैं कॉर्सन होता, उसकी तरह शानदार जिंदगी जीता, लेकिन अफसोस। आइए चलिए मिस्टर कॉर्सन, आपका शॉट रेडी है, प्लीज साथ चलिए। क्या हो रहा है? अरे जाने दो मुझे, मैं कॉर्सन नहीं हूँ। निकाटी तांजू, अरे कुछ तो बोलो। मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है, ले जाओ ले जाओ इसे। यही कॉर्सन है, असली से भी ज्यादा सुंदर वाला, ले जाओ इसे। अरे भाई तुम दोस्त हो कि दुश्मन, जाने दो मुझे। अरे छोड़ो मुझे। तुम एक एम्बुलेंस ड्राइवर हो और इस सीन में तुम कॉर्सन को लेकर जाओगे, ठीक है? तभी कॉर्सन अपनी याददाश्त खो देता है और चिल्लाता है, मैं जासूस नहीं हूँ। वो एम्बुलेंस से कूद कर भाग जाता है। आइए मिस्टर कॉर्सन, शूटिंग यहाँ होगी। सुपर, आपकी पोशाक तो लाजवाब है, एम्बुलेंस में लेट जाइए। ग्रेट, लाइट्स रोलिंग और साउंड सब तैयार है। नहीं, क्या आफत है, मेरे चेहरे पर क्या लगा रहे हो? 3, 2, कोई मेरी बात सुनेगा प्लीज? 1, मैं कॉर्सन नहीं हूँ। एंड एक्शन। प्लीज लेटे रहिए डिटेक्टिव, आपको चोट लगी हुई है। अरे भाई मानते क्यों नहीं हो, मैं जासूस नहीं हूँ। ये अपनी याददाश्त खो बैठे हैं, इन्हें कुछ याद ही नहीं है। मुझे फोन में बात करनी है, आज बच्चों को फिल्म दिखाने का वादा किया था। ऐसा करो, इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दो। मैं पकड़ता हूँ, जल्दी से इंजेक्शन लगाइए। कौन सा इंजेक्शन? नहीं चाहिए। अरे रेमजी कहाँ चले गए तुम? मूवी जाने के लिए लेट हो रहे हैं, ऊपर से कॉल भी नहीं उठा रहे। कादरिये! रेमजी क्या कर रहे हो, जल्दी से नीचे आओ। आ रहा हूँ।
और कट। जबरदस्त शॉट किया, बहुत दिलेरी दिखाई। इसे ही कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। हाँ सच में अच्छा लगा। हाँ यकीनन, अपने कैरेक्टर में आप इतने अंदर तक चले गए थे कि मुझे भी सच लगने लगा। अपने परिवार को जिस तरह याद किया वो कमाल था। ये लीजिए सर, ये है आपकी फीस, रुपयों से भरा ये बैग। क्या 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 कहा तुमने, ये मेरा है? रेमजी क्या चक्कर है ये सब? रुको 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 कादरी, यहाँ कोई रेमजी नहीं है, रेमजी चला गया। मैं कोर्सन हूँ, कोर्सन। ये सब क्या है पापा? अरे बेटा जो हो रहा है उसे होने दो, हमारी किस्मत खुल गई। सारी फिल्में देखी है और कैसे हो मेरे दोस्त? अरे वाह, ये सब तुम्हारा है रेमजी? अगर है तो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो रेमजी। क्या मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं था? अरे वाह, इस कार के पीछे की सीट पर मुझे एक वेफर भी मिला। वो मेरे वेफर है तंजू, ये कार है ना कि कोई दुकान। अच्छा रेमजी, क्या कार के अंदर ओवन भी है? है, बिल्कुल है निकाटी, इसमें सिर्फ ओवन ही नहीं इसमें ग्रिल भी है। देखो मैंने इसमें ग्रिल्ड कबाब बनाया है। वाह क्या बात है। सॉरी मेरे सबसे अच्छे दोस्त नहीं, उससे भी ज्यादा अच्छे दोस्त हो। अबे ये क्या है, अचानक से रोशनी कहाँ से आई? तुमने भी वो रोशनी देखी है ना? कई बार मैंने भी ऐसी रोशनी देखी है, समझ नहीं आया ये रोशनी कहाँ से आई। चलते हैं। गौर क्या तुमने, फिर से वो लाइट जली। आ मेरी आंखें। ये पत्रकार है रेमजी, इन्हें पापाराजी के नाम से भी जानते हैं, हमारे पीछे पड़ गए हैं। अरे ये रोशनी तो हमें अंधा कर देगी। रेमजी गाड़ी को भगा, जल्दी भगा, जल्दी। पापाराजी को एक बार अगर भनक लग गई कि तुम कहाँ हो तो वो सुबह से रात तक तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। एक पापाराजी ने मेरी भी फोटो ली। क्या एक मशहूर हस्ती के दोस्त होने के नाते मैं भी सेलिब्रिटी बन गया? क्या आप लोग मेरा भी पीछा करेंगे? हाय दया, मुझे बचा लो कोई। मेरे पीछे ये लोग क्यों पड़े हैं निकाटी? क्योंकि तुम अब एक बहुत बड़े फिल्म स्टार बन चुके हो रेमजी, तुम इन झमेलों से बिल्कुल नहीं बच सकते। मिस्टर कोर्सन, मिस्टर कोर्सन, ये कार नहीं है क्या? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना काम कर रहे। क्या शोरगुल हो रहा है? कोर्सन ने नई कार ली है। क्या कहा, सच में? चलो पैसे कमाने का अच्छा मौका है, बाहर निकलो, जल्दी करो। ये सब मधुमक्खियों के झुंड जैसे हैं। चलो कहीं छुपते हैं। इतना भी आसान नहीं है। देखिए सर, हमारे पास एक से एक डिजाइन के हैट्स हैं। क्या वो चले गए? लगता तो है। इस हैट में मेरी नाक ज्यादा लंबी दिख रही है। अबे मोटे हाथी, तेरी नाक तो पहले से ही लंबी थी। ओके, बहुत खूब बहुत खूब, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्यों रेमजी, अच्छा मजाक था ना? अरे झगड़ना बंद करो, चलो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, धक्का मत दो, जा रहे हैं। ओ गिर गया। झगड़े के दौरान कोर्सन ने दोस्त को गिराया, आज की ब्रेकिंग न्यूज। कौन सा झगड़ा? तुम झूठ मत बोलो, वो अपने आप गिरा। कोर्सन जी, आपने ऐसी ऐसी हरकत क्यों? अरे जल्दी से यहाँ से भागो। क्या क्या हाँ, वो आ रहे हैं, काफी नजदीक है, इतना भी मशहूर नहीं होना चाहता था। पापा ये क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, प्रिवेसी खत्म हो चुकी है, मुझे कहीं छुपना है।
बहुत थक गया हूँ, जल्दी से मैं बाथरूम में जाकर नहा लेता हूँ। कौरसन जी, कौरसन जी, आपका इंटरव्यू मिल सकता है क्या मुझे? कौरसन, आप दिन में कितनी बार नहाते हैं? दांत ब्रश करने में कितना समय लगता है आपको? बताइए मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मुझे बचाओ! यहाँ वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। वो यहाँ भी ढूंढ लेंगे। मेरा मतलब तुम यहाँ भी कौरसन? हाँ मैं ही कौरसन हूँ। तुम तो गायब हो गए थे। मैं गायब नहीं हुआ था, छुपा हुआ था। अब और यहाँ छुपने की वजह? पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ के छुपे हुए थे। भाई अजीब दुनिया है ये। तुमने सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखा, हर चीज की कीमत होती है। मशहूर होने पर कुछ भी प्राइवेट नहीं रहता। सेलिब्रिटी बनने के बाद हम अकेले खा नहीं सकते, दोस्तों के साथ बाहर घूम नहीं सकते। भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए। फिर तो तुम्हें ये एक्टिंग का चक्कर छोड़ना पड़ेगा, फिर जैसा चाहो वैसे जी सकते हो तुम। तुम ऐसे जीकर खुश हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। कितने दिनों से मैंने ठेले से वड़ा पाव नहीं खाया, शॉपिंग पर नहीं जा पाया, तसल्ली से टपरी की चाय तक नहीं पी पाया, और तो और अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाया। पर लेकिन मुझे लगा कि इन बातों से उबने के बाद यहाँ छुपे हो। हाँ ये बात सही है, पर अब अकेलापन काफी हो गया। चाहता हूँ कि लोग अब मुझे वापस से देखे। इस दुनिया को मैं अब छोड़ नहीं सकता रेमजी, लेकिन तुम छोड़ सकते हो। हाँ सही कहा, सेलिब्रिटी होने से सारी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। जाओ, प्रसिद्धि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बढ़िया, तो अब मुझे इजाजत दो, मैं चला इस दुनिया को एलियंस के खतरे से बचाने। कौरसन लौट चुका है दोस्तों। वाह, एक ही पल में मेरी दुनिया ही बदल गई। पलक झपकते ही पैसा, दौलत, शोहरत सब हवा हो गए। हाय हैंडसम, कैसे हो? कादरी, तुम मेरे बच्चों, तुम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? हमने तुम्हारी बातें सुन ली रैमजी, अब तुम किसी बात की फिक्र मत करो। उसे भूल जाओ पापा, दिन भर शूटिंग की वजह से आपसे नहीं मिल पाया, अब हम साथ में समय बिताएंगे। कौशन एलियंस को हरा देगा, हमारे घर के हीरो तो आप ही हैं, इतना ही काफी है डार्लिंग। एक बात कहूँ कादरी, तुम्हें बहुत मिस किया मैंने। अरे मिलने दो उसे सारी शोहरत। एंड कट। क्या? मजाक है मजाक है, मैं खो गया हूँ, क्या मेरे लिए एक टैक्सी मंगवा देंगे? Thank you.